तो फाइनली मीटर कंसोल अभी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा नया मीटर लग चुका है। अगर ये वारंटी में नहीं होता तो इसका 9600 ऐसा कुछ प्राइस था इस मीटर का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, क्योंकि मेरा बाइक में एक प्रॉब्लम हो चुका है। जो प्रॉब्लम है ये जो आपको मीटर कंसोल दिख रहा है, ये जो ओडोमीटर है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके अंदर धूल घुस रहा है। मतलब जैसे ही मैं बाइक चला रहा हूँ तो इसके अंदर धूल पानी घुस रहा है। तो ये अंडर वारंटी था, तो अभी इसको जा रहा हूँ चेंज कराने। मैं 2-3 दिन पहले गया था एक बार सर्विस सेंटर में, फिर वहाँ से बोला तो आज तो इंस्टेंट तो नहीं हो पाएगा, कंपनी को मेल करना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन गया था, यहाँ का फ़ोटो वगैरह खींच के मैं उनको दे दिया था, तो उन्होंने मेल कर दिया था। फिर कल कॉल आया था मुझे कि आप आ जाओ, तो आपका वो अप्रूव हो चुका है, हम चेंज कर देंगे। तो इसीलिए अभी जा रहा हूँ। तो ये धूल मिट्टी घुसने का जो कारण है मुझे पता नहीं चला, रॉयल एनफील्ड वालों को ही पता होगा क्या क्यों हो रहा है। यहाँ पे एक नाट बोल्ट है, वहीं से घुस रहा है। तो यहाँ पे कैसे धूल मिट्टी घुस रहा है और यहाँ का कंडीशन क्या है, वो अभी स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रहा होगा, वो अब एक बार आप चेक कर लो। तो जैसे कि मेरा घर से सर्विस सेंटर का डिस्टेंस है 8 से 10 किलोमीटर। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने जो थर्ड सर्विस का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बता दिया था। वही सेम सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ का जो सर्विस है, सर्विस मैनेजर है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे से हमको ट्रीट करता है, इसीलिए मैं वहीं पे जाता हूँ बार बार। तो अगर आपने वो थर्ड सर्विस वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये वाला वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो चलो फटाफट पहुँचते रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पर। तो बाइक अभी चल चुका है 9602 किलोमीटर यहाँ तक। तो अभी मीटर कंसोल चेंज होने वाला है इसका। मैंने इसमें इस बाइक में मतलब 9600 किलोमीटर में मैंने राइड किया है अरुणाचल को और सिक्किम सीरीज़ तो आपने पहले देख लिया है। तो अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे सिक्किम सीरीज़ का लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये वाला वीडियो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि अभी मीटर कंसोल चेंज होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ ये इसमें कोई पैसा या कुछ लगता है या नहीं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये जो 9600 किलोमीटर चला है इसमें मैंने चलाया है ऑलमोस्ट पूरा ही मैंने ट्रैवल किया है, इसमें से 1000 किलोमीटर छोड़ के पूरा मैंने ट्रैवल किया है। सिक्किम सीरीज़ तो मेरा अच्छा, मतलब सिक्किम जो मैं गया था जिस टाइम पे ट्रैवल किया था उस टाइम पे बहुत अच्छा गया मेरा, बाइक में कोई दिक्कत नहीं आया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। अरुणाचल का टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन अरुणाचल से आने के बाद मैं जब घर पहुँचा फिर मैंने मीटर कंसोल की तरफ देखा, तो मैं उतना देखता नहीं था। तो जैसे ही देखा तो देखा इसके अंदर धूल मिट्टी जा रहा है, आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है। तो फिर अरुणाचल से आने के बाद ही मैं इंस्टेंट मतलब कंप्लेन कर दिया था रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, मतलब यही तो 2-4 दिन पहले कर दिया था। तो अभी इसी अर्लीय मैं जा रहा हूँ, आज वहाँ से कॉल किया था कि चेंज करवा लो सर, आपका आ गया है मीटर कंसोल, आप चेंज कर सकते हो, तो इसीलिए जा रहा हूँ। तो चलिए आप बने रहो, मैं फटाफट पहुँचता हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, ये लेफ्ट साइड में है सर्विस सेंटर, आपको दिख रहा होगा। तो चलते और देखते। तो सर्विस सेंटर में भी आ चुके हैं, बात हो चुका है, अभी बनेगा बाइक का जॉब कट, फिर अभी काम होगा, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या प्रोसीड्योर था, क्या फॉर्मेलिटीज़ था। चलो काम होने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, अगर पॉसिबल हो सके तो वीडियो करना, मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। Thank you.
तो फाइनली मीटर कंसोल अभी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा नया मीटर लग चुका है। अगर ये वारंटी में नहीं होता तो इसका 9600 ऐसा कुछ प्राइस था इस मीटर का, बच गया खर्चे से, वारंटी के अंदर था। अभी भी है वारंटी, टोटल 3 साल का वारंटी मिलता है BS6 में, तो इसीलिए खर्चा बच गया। तो सेम ही मीटर कंसोल है, बस एकदम नया है, अभी जीरो से स्टार्ट हो रहा है मीटर। मेरा बाइक तो ऑलरेडी 9600 4 किलोमीटर चल चुका था, उसके बाद ये मीटर कंसोल चेंज हुआ। अभी इसमें क्या पैसा वैसा लगा है या नहीं, तो इसमें कोई पैसा नहीं लगा है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इसमें जॉब कार्ड बनेगा आपका, क्योंकि सर्विस में आए और चेंज हो रहा है तो जॉब कार्ड तो जरूर बनेगा। तो एक सिंपल सा जॉब कार्ड बना, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं शो कर रहा था, पूरा 0-0 अमाउंट शो कर रहा था। लग गया नया मीटर, और वो पुराना वाला मीटर का कैसे कहां से धूल वूल घुसा है उसका फोटो अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप एक बार अच्छे से देख लो। ये जो नीचे का ये पॉइंट था, इसी से घुसा है धूल, आई डोंट नो कैसे घुसा है, मुझे पता भी नहीं है। तो चलो अभी इसका एक आपको ओवरव्यू फोटो दे देता हूँ अनबॉक्सिंग का, जो रॉयल एनफील्ड सर्विस में अनबॉक्सिंग हुआ है। अभी निकल रहा है सिटी से, और मतलब कृष्णनगर सिटी से, चलो एक बार राउंड मार लेते थोड़ा सा, छोटा सा एक चक्कर, फिर पहुँचते घर। फाइनली मैं सिटी से निकल चुका हूँ घर के लिए, यहाँ से मेरा घर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है, अभी पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ द मीटर कंसोल, नया लग चुका है। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। क्योंकि जो प्रोडक्ट वारंटी के अंदर होता है बाइक का, वो सही से आपको मिल पाता है या नहीं, बस इसीलिए दिखाने के लिए मैं ये वाला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे कोई पैसा नहीं लगा, बस ये मैं गया 10 से 15 मिनट में रिप्लेस हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और नेक्स्ट वाले ब्लॉग जो हो रहा है वो है अरुणाचल ट्रैवल सीरीज़। तो आपको 1-2 दिन में दिखने को मिल जाएगा अरुणाचल का ट्रैवल सीरीज़ का ट्रेलर। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ डायरेक्टली अरुणाचल वाला ब्लॉग में।